स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे व्यापारी और दुकानदारों को हर महीने मिलेगी पेंशन की सुविधा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को फिर से जीत दिलाने के लिए सोमवार को अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। इसी के साथ मोदी आज से हरियाणा चुनाव में अपने प्रचार प्रसार अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, राफेल पर बोले राहुल गांधी, पूजा दिखाएंगे या फिर कुछ और भी। जी हां, महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को नूह से हरियाणा में अपनी पार्टी के चुनाव प्रसार का आगाज किया। राहुल ने एक एक करके उन तमाम मुद्दों को फिर से धारती जिन्हें वे लोकसभा चुनाव के दौरान उठाते रहे। उनके निशानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों रहे। राफेल, अर्थव्यवस्था व बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तीखे व्यंग्यवाद कटाक्ष किए। सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी का वायदा भी किया। वहीं नेक्स्ट अपडेट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू, 30 देशों के 500 से ज्यादा कंपनियों ने लिया हिस्सा। जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम 16 अक्टूबर तक चलेगा। IMSC 2019 में 30 देशों के 300 से ज्यादा टेक कंपनियों ने हिस्सा लिया है। वहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस इवेंट पे 1,00,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, भारत की पहली नेत्रहीन महिला बनी IAS, सभी के लिए है ये प्रेरणा। जी हां, कुछ करने की चाह तो हिम्मत भी आपका साथ देने लगती है। ऐसा ही हुआ प्रांजल पाटिल के साथ। प्रांजल की आंखें नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत ने उनका साथ हमेशा निभाया। उनके इस हौसले से आज देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS बनी है। सोमवार को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में सब कलेक्टर का चार्ज संभाला है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, प्री स्कूल में नालीजा बच्चों की परीक्षा, इस तरह हो मूल्यांकन। जी हां, प्री स्कूल में बच्चों की लिखित परीक्षा या मौखिक किसी तरह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण बच्चों की छोटी उम्र में ही अभिभावक उनसे अलग अलग अपेक्षाएं रखने लगते हैं। ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है, ये कहना है NCERT का। नेक्स्ट अपडेट, केंद्र सरकार की फेलोशिप का आज आखिरी मौका, हर महीने मिलेंगे 70 से 80 हजार रुपए। जी हां, केंद्र सरकार आपको 5 साल तक हर महीने 70 से 80 हजार रुपए तक पाने का मौका दे रही है। ये रुपए आपको फेलोशिप के तहत स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से आपको 2,00,000 रुपए सालाना की रिसर्च ग्रांट भी मिलेगी। यह ग्रांट भी 5 साल तक दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट, सौरव गांगुली बनेंगे BCCI अध्यक्ष, जयशाह का सचिव बनना तय, जल्द होगा ऐलान। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनेंगे। वहीं गुजरात क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव व गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह बोर्ड के नए सचिव होंगे। शाह सहित संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा सोमवार को होगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानिए सराफा बाजार का भाव। जी हां, हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमतें 145 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया। वहीं इंडस्ट्री में आई डिमांड की वजह से चांदी के दाम में 240 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गए। वहीं नेक्स्ट अपडेट, तेजी से वापस लौट रहा है मानसून, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश। जी हां, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून तेजी से वापस हो रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर तेजी से मानसून आज वापस चला जाएगा। मानसून फिलहाल किशनगंज, बांकुरा, जमशेदपुर, चंपा और भरूच से होकर गुजर रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, साउथ अफ्रीकी टीम नहीं बना पाई 147 रन, रोमांचक जीत के साथ भारतीय महिलाओं ने किया क्लीन स्वीप। जी हां, भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत ने सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 रन से रोमांचक जीत हासिल की है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, कश्मीर में 70 दिनों बाद बजी मोबाइल की घंटी, लोगों ने कहा उनके लिए यह ईद से कम नहीं। जी हां, कश्मीर घाटी में राज्य सरकार द्वारा पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में कई बंदिशें लगी थी, मगर अब इन्हें हालातों को सुधार देखते हुए धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। मोबाइल फोन की कॉलिंग सेवा बहाल होने को कश्मीर निवासियों ने बेहद सहारा है। 70 दिनों बाद मिली इस बड़ी राहत के बाद श्रीनगर की सड़कों पर लोगों को दोस्तों और रिश्तेदारों से फोन पर बात करते देखा गया। सुबह लगभग 11 बजे फोन की घंटियां 70 दिनों के बाद एक बार फिर बजने लगी। आपको बता दें कि घाटी में लगभग 60,00,000 मोबाइल कनेक्शन और उनमें से 40,00,000 पोस्ट पेड कनेक्शन है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, डिश टीवी का दिवाली धमाका, सिर्फ इतने रुपए में देख सकेंगे हर महीने 260 से ज्यादा चैनल। जी हां, भारत की दिग्गज चैनल प्रदाता कंपनी डिश टीवी ने दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखकर फेस्टिव ऑफर रोल आउट किया है। इससे पहले DTH और केबल टीवी को लेकर अहम जानकारी सामने आई थी। नए ऑफर के तहत अब डिश टीवी के ग्राहक किफायती कीमत में ज्यादा चैनल देख सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको डिश टीवी इस प्लान में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, वोटर आईडी नहीं फिर भी कर सकेंगे मतदान, इन 11 दस्तावेजों के लिए सकते हैं मदद। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि किसी मतदाता के पास चुनाव आयोग के द्वारा जारी वोटर आईडी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके लिए आयोग ने 11 अन्य दस्तावेजों का विकल्प दिया है जो पहचान पत्र का काम करेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, सरकार ने शुरू की ऐसी योजना, अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश। जी हां, अब टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश नहीं रुकेगा। वन नेशन वन टैग निहाई के साथ एक योजना लागू की है।
इस अभियान के समय ईंधन और पैसा तो बचेगा ही, साथ साथ एक्सीडेंट भी कम होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फास्टैग करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। सोमवार को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।